नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। भोपाल में अपनी मांगों को लेकर एसकेएस कॉलेज के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही के चलते छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। छात्रों के अनुसार बैंक कर्ज के चलते एसकेएस कॉलेज को कुर्क कर दिया गया है, जिसके बाद वो मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। छात्रों ने कहा कि काउंसलिंग के वक्त उन्हें आश्वासन दिया गया था कि अगर कॉलेज बंद होता है तो उन्हें सरकार दूसरे कॉलेज में एडमिशन देगी, लेकिन अब उनकी और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कॉलेज प्रबंधन उनसे फीस वसूल चुका है, ना उनकी फीस की भरपाई हो रही है और ना ही वे आगे की पढ़ाई कर पा रहे हैं। वे कई बार इसको लेकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। समस्या दूर नहीं होने पर छात्रों ने कहा कि वे अब भूख हड़ताल कर अपना विरोध जताएंगे। कुछ क्या हुआ सर, हॉस्पिटल बंद कर दिया गया है ना सर, कोई फैकल्टी है, इन्होंने सर फर्स्ट ईयर की फीस भी ले चुके हैं और कुछ सेकेंड ईयर की फीस भी ले चुके हैं सर, उसके बाद भी हमें कोई एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। और सर हमारी मांग यही है सर कि जो राज्य सरकार ने सर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी सर काउंसलिंग के टाइम पे, कि आप आइए कॉलेज में, अगर ये नहीं चलाएंगे तो सर हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम इसको टेक ओवर करेंगे, आपका कहीं पर भी मर्ज करेंगे। तो सर हम वही चाह रहे हैं कि हमें टेक ओवर कीजिए आप। कोई कॉलेज प्रशासन कुछ भी नहीं है सर वहाँ पे, ना हमारा सर डीन है पिछले 8 महीने से, ना प्रिंसिपल, ना सर कोई फैकल्टी, कोई देखने वाला भी नहीं है सर गवर्नमेंट की तरफ से, कोई एक बंदा भी नहीं जाता वहाँ पे देखने के लिए। सर कॉलेज प्रबंधन से बात होती है सर, बोलते हैं फीस दो और आश्वासन पे आश्वासन देते जाते हैं सर, उसके बाद कुछ करते ही नहीं है। पिछले नो सर कोई क्लासेस नहीं है सर, हॉस्पिटल बाकायदा सर कुर्क किया गया है बैंक के द्वारा, सबको सब कुछ पता होने के बाद भी सर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है सर। हम भूख हड़ताल करने का सोच रहे हैं सर आगे, अगर हमारी मांग को पूरी नहीं किया गया सर। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।